26 जनवरी को YouTube की CEO सुजैन वोजेस्की ने YouTube समुदाय को लिखे एक पत्र में अपनी 2021 में कंपनी की प्राथमिकता को समझाया। इसमें उन्होंने कई उपलब्धियां भी बताई और 2021 के लिए कुछ प्रमुख उद्देश्यों की पहचान भी की, जिसमें बिल्डिंग फॉर द यूट्यूब ऑफ द फ्यूचर नामक एक खंड भी शामिल था, जिसके लिए 3 क्षेत्रों पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, जैसे मोबाइल क्रिएशन, कॉमर्स और द लिविंग रूम। और ये सोच बिल्कुल सही है, वो भी उस ऐप को बेहतर बनाने के लिए जिसे हर महीने 2 बिलियन लोग इस्तेमाल करते हैं और प्रतिदिन 1 बिलियन प्रति घंटे का सेवन करते हैं। और जब वर्तमान का यूट्यूब इतना अच्छा है तो भविष्य के यूट्यूब को बेहतर बनाना एक चुनौती भी होगा। सुजैन वोजेस्की के रुचि के 3 क्षेत्रों के समान मैं अपने स्वयं के 3 क्षेत्रों की पेशकश करता हूँ जो पूरी तरह से मेरी कल्पना पर आधारित है। आपने पिछली बार YouTube पे कौन सी वीडियो पोस्ट की थी या आपने पिछली बार उससे वीडियो रिकॉर्ड करके YouTube पे पोस्ट कब की थी? और मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि ये किए हुए आपको बहुत लंबा समय हुआ होगा, लेकिन YouTube और अन्य सोशल मीडिया की सेवाओं के बीच में एक सुषम अंतर है कि YouTube की सामग्री का अधिकांश हिस्सा उस पर नहीं बनाया जाता है। इसके बजाय उन्हें DSLR कैमरों से लेकर फाइनल कट प्रो तक कई अन्य उपकरणों के साथ फिल्माया और संपादित किया जाता है और फिर YouTube पर पोस्ट किया जाता है। अधिकांश रचनाकारों के लिए YouTube सिर्फ एक वीडियो होस्टिंग प्लेटफॉर्म है, न कि वीडियो क्रिएशन प्लेटफॉर्म। और जो बड़ा सा प्लस बटन है YouTube ऐप के बीच में, उसे अधिकतम रचनाकार तो इस्तेमाल ही नहीं करते हैं और इसलिए मोबाइल क्रिएशन कंपनी के लिए एक प्राथमिकता बन गई है 2021 में, और इस वजह से वह शॉर्ट्स फीचर पे इतना निवेश कर रहे हैं। और इस चरण पर रचनाकार अपने द्वारा बनाए गए वीडियो को कहीं और भी ले जा सकते हैं और इसे YouTube के अलावा कई प्लेटफॉर्म पर भी पोस्ट कर सकते हैं। अब इसकी तुलना उस सेवा से करें जो न कि केवल एक वीडियो होस्टिंग प्लेटफॉर्म है बल्कि साथ ही साथ एक वीडियो क्रिएशन प्लेटफॉर्म भी, जो है TikTok। रचनाकारों के लिए TikTok अविश्वसनीय रूप से अलग है क्योंकि उनके वीडियो केवल उनके निमरान टूल के माध्यम से TikTok पर ही बनाए गए हैं। दूसरे शब्दों में रचनाकार TikTok पर बनाई गई सामग्री को कहीं और अपलोड नहीं कर सकते हैं, वह वीडियो बनाने के लिए सिर्फ TikTok पर निर्भर हैं। और इसलिए भविष्य के YouTube को वीडियो क्रिएशन को प्रथम श्रेणी की सुविधा बनाना चाहिए। YouTube ने निसंदेह रचनाकारों का समर्थन करने के लिए बहुत मेहनत की है, जैसे अलग से स्टूडियो ऐप बनाना जिसे वो बेहतर तरीके से वीडियो बना सके, और क्रिएटर एकेडमी की शुरुआत की जिसे वो रचनाकारों को उनके प्लेटफॉर्म के बारे में और समझदार बना सके। और तो और, केवल पिछले 3 वर्षों में YouTube ने अपने प्लेटफॉर्म पर रचनाकारों और मीडिया कंपनियों को $30 बिलियन से अधिक का भुगतान किया है। पर एक चीज जो YouTube प्रदान करने में असक्षम रहा है वो है रचनाकारों के उनके दर्शकों तक सीधी पहुंच। और क्या होगा अगर भविष्य के YouTube ने रचनाकारों और प्रशंसकों को एक दूसरे के साथ संवाद करने की अनुमति देने के लिए एक डायरेक्ट मैसेजिंग सिस्टम बनाया? तो आजकल रचनाकारों को अपने ईमेल, सोशल मीडिया हैंडल और अपनी वेबसाइट का प्रचार करना होता है जिससे प्रशंसक उनसे सीधे संवाद कर सके, जो कि YouTube से बाहर होता है। इसके बजाय YouTube ऐसा सिस्टम बना ले जिससे रचनाकार अपने दर्शकों से सीधा संवाद कर सकें और उस संचार को YouTube पर भी रख सकें। क्रिएटर टू फैन कम्युनिकेशन के अलावा DM क्रिएटर टू क्रिएटर का कम्युनिकेशन की भी अनुमति दे देगा, जो आज से पहले होता आ रहा है। यह कम्युनिकेशन को और आसान बना देगा और कोलैबोरेशन को भी। इन सब कदमों के द्वारा YouTube वीडियो होस्टिंग प्लेटफॉर्म से वीडियो क्रिएशन प्लेटफॉर्म बन जाएगा। क्या आपने कभी किसी दोस्त को YouTube वीडियो का लिंक भेजा, या आपके दोस्त ने कभी कोई लिंक भेजी हो जिससे आपको हंसी या कोई और राय आई हो? YouTube एक अनंत वीडियो की लाइब्रेरी है, लेकिन वीडियो देखना कंजम्पशन एक्सपीरियंस का एक छोटा सा हिस्सा है। इसके साथ साथ वीडियो के बारे में चर्चा,
प्रशंसा प्रतिक्रिया भी होनी चाहिए। यह भी YouTube देखने के अनुभव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, लेकिन यह सब YouTube के वीडियोस के साथ बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। YouTube एक मनोरंजन का मंच तो है, पर यहाँ अकेलापन भी बहुत महसूस होता है। यहाँ आप कुछ भी देख सकते हैं, लेकिन किसी के साथ देखने का सुख बिल्कुल भी नहीं है। DM का जो फीचर है, वह YouTube को सही सोशल नेटवर्क बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा, लेकिन एक और सोशल फीचर का होना बहुत प्रभावशाली हो सकता है, जैसे किसी की उपस्थिति जानना। कल्पना कीजिए कि आप वीडियो देख रहे हैं और उसी दौरान YouTube आपको बता सके कि आपका मित्र भी YouTube को इस्तेमाल कर रहा है। किसी की उपस्थिति देखने के लिए एक छोटा सा हरा बिंदु YouTube पर अकेलापन खत्म कर सकता है। और क्या होगा यदि हम उन वीडियो को प्रसारित कर पाए या एक साथ देखने के लिए उन्हें आमंत्रित कर पाए। एक दिन मैं YouTube खोलता हूँ और मेरे पसंदीदा रचनाकार भुवन भाम सबको मैसेज करके बताते हैं कि वह टेक्निकल गुरुजी के साथ क्रॉसओवर करने वाले हैं। और तो और, ये समझे कि मैं फुटबॉल मैचेस के हाइलाइट्स देख रहा हूँ और उसी समय मैं अपने दोस्त वियान को भी ऑनलाइन देख पाता हूँ और उनके साथ मैं अपनी वॉच हिस्ट्री भी शेयर कर देता हूँ यह देखने के लिए कि क्या वह इच्छुक हैं। पर इसके अलावा वह अपने पसंदीदा गायक के लाइव कॉन्सर्ट को देखने के लिए मुझे बुलाते हैं और फिर हम साथ में देखने भी लगते हैं। और ऐसा बनकर YouTube और मज़ेदार बन गया है और भविष्य में आपका स्वागत है।